नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा अदानी ग्रुप के बारे में। सेकंड हाफ में कुछ ऐसा हुआ है जो अभी हम सभी को दिख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन डेफिनेटली कुछ सामने आएगा। आज के सेशन में अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखें तो इतनी बड़ी पिटाई हुई है सेकेंड हाफ में। इनकी जो पेरेंट कंपनी है जो सबसे पहले बाजार में आई थी अदानी एंटरप्राइजेस, आप वहां देखेंगे दोस्तों तो लगभग 8.5% की गिरावट है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है दोस्तों, 8.5% की गिरावट। एंड आप मतलब हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए इसी के बारे में बात करता हूं। अगर आपके पास अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले सबसे फेवरेट स्टॉक के बारे में बात करूंगा अदानी ग्रुप के, वो है अदानी पावर का शेयर। 5% का सर्किट लोअर यहां भी आपको लगता हुआ दिखाए, और स्टॉक की बात करूं तो लगभग 355 रुपीज के नीचे आता हुआ दिखाए। दोस्तों 370 का लेवल स्टॉक ने निकाला है और स्टॉक आगे पीछे हो गया, 330 रुपए तक जाने के लिए अब तैयार हो गया। अगर आप सभी को याद हो तो इस स्टॉक पे 410-420 से बिकवाली की सलाह दी थी 330 के टारगेट के लिए। एक रिपोर्ट भी आई थी, वो भी पढ़ के बताई थी, वो मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी, मैं रिपोर्ट नहीं देता, मैं बस आपके साथ अपडेट्स देता हूं। तो रिपोर्ट भी बताई थी, अपना व्यू भी दिया था, स्टॉक दोबारा से मूव करा लेकिन अपसाइड में एंड 410 तक आया था। तो मैंने आपसे कहा ठीक है यार, काफी ट्रोल कर रहे थे आप मुझे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं चलने दीजिए जो है, बट मैं फिर भी इस स्टॉक पे अब पॉजिटिव नहीं हूं। तो मैं नेगेटिव था, अब गिरता हुआ दिख रहा है। अभी कितना गिर सकता है, वही 330 तक जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। सेकंड आजकल जो लाइमलाइट में आ रहा है और मैं भी बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं, उस स्टॉक का नाम था अदानी विलमार। इनफैक्ट अदानी पावर अदानी विलमार पे मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, जहां पे रिसेंटली अभी मैं अदानी विलमार पे काफी बुलिश होता हुआ भी दिखाऊं। आज के सेशन में पूरे अदानी ग्रुप में काफी हैवी पिटाई हुई है, जिसका शिकार अदानी विलमार भी हुआ, लेकिन चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर भी ये स्टॉक सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिखता है मुझे अभी भी। अदानी पावर और अदानी विलमार में अगर आप अभी भी कंपैरिजन करेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा अदानी विलमार ही लगेगा। इस स्टॉक में 700 और 660 का एक काफी बड़ा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन अदानी ग्रुप है भैया, जब ऊपर जाता है तो बिना किसी के पूछे बिना किसी की सुने ऊपर चला जाता है, जब नीचे जाएगा पूरा अदानी ग्रुप गिरेगा तो डेफिनेटली गिरेगा और काफी तेज पिटाई पड़ सकती है। तो प्रॉपर एसएल के साथ ही रखें, मैंने आपके साथ डिस्क्लेमर भी दिया था। थर्ड स्टॉक की बात करें अदानी ग्रीन्स, तो फ्राइडे को 12-13% की तेजी के बाद आज अचानक से ये स्टॉक आपको दोबारा 8-10% गिरावट दिखाता हुआ दिखाए, दोबारा 2000 रुपए इसके लेवल के पास पहुंचता हुआ दिखाए। तो यहां भी क्या करें, ये तो वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा लगता है मुझे, इसलिए मैं कभी हिम्मत ही नहीं करता इसको खरीदारी करने की सलाह देने की, अदरवाइज ये स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए ऐसा लगता है मुझे। चलिए नेक्स्ट अदानी पोर्ट्स, यहां भी काफी बड़ी बिकवाली हुई है, 900-1000 रुपए का हाई लगाने के बाद स्टॉक पिछले एक हफ्ते में ही अगर आप देखें इस शेयर को तो इस शेयर में 900 रुपए के करीब से गिरावट हुई है और 10% गिर चुका है। अगर मैं एक महीने की बात करूं, इनफैक्ट 10 दिन की बात करूं तो स्टॉक 20% गिर चुका है, यानी हाई लगा के 20% नीचे भी आ गया है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो यहां भी दोस्तों आज लगभग 8-10% की गिरावट देखने को मिली है, और पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी गिरावट हुई है। तो आज पूरे अदानी ग्रुप में गिरावट हुई है, पर हुई क्यों है इसका रीजन दोस्तों अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो शायद अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए ये 1-2 दिन के अंदर जरूर कुछ ना कुछ सामने आएगा कि ऐसा हुआ क्या है, क्यों हुआ है। या तो आप ये कह लीजिए कि आज निफ्टी में इंक्लूड हुआ अदानी एंटरप्राइजेस और सारे स्टॉक पिट गए, बट ये रीजन वैलिड नहीं है मेरे हिसाब से, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर आपके पास पोजीशन है तो कहां कहां बने रहे इसका जवाब दूं तो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो अदानी ग्रुप्स में बाई की रिकमेंडेशन देता नहीं हूं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू मेरा अदानी विलमार पे अभी भी पॉजिटिव है। अदानी पावर में 330 के पास खरीदारी करने की सलाह है, और जो बाकी के स्टॉक है लाइक अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स, यहाँ पे काफी सारी ब्रोकरेज कवरेज भी है तो उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी वैल्यूएशन वाइज अदानी पोर्ट्स ही ऐसा शेयर है जो शायद आई थिंक ठीक ठाक होगा, अदरवाइज सारे के सारे काफी महंगे ट्रेड करते हैं इसके स्टॉक, स्पेशली अदानी ग्रीन्स देखेंगे तो वो 1000 के पीई पे ट्रेड करता है दोस्तों, और लगभग 300 times की बुक प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। अगर अदानी टोटल गैस की भी बात करूं तो
675 की बुक प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। तो महंगे शेयर्स बहुत हैं और हाई डेट वाली कंपनीज हैं, बट पैसा बन रहा है, लोग बना रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। तो आज की गिरावट के पीछे का रीज़न ना ढूंढने जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तक मुझे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आएगा प्लीज़ कमेंट जरूर करना, उसके बाद मैं उसको पूरी तरीके से रीड करके डेफिनेटली एक वीडियो और बनाऊंगा। तो ये मेरी वीडियो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।